ज्योतिषाचार्य जी, आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। कब से शुरू होने वाला है यह गुप्त नवरात्रि? अब माता दुर्गा किस पे सवार होकर आ रही हैं, उनका आगमन होने जा रहा है, और जो कलश स्थापन का है शुभ मुहूर्त वो क्या रहने वाला है? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। एक वर्ष में चार नवरात्रि होते हैं। दो नवरात्रि तो प्रचलन में है, क्षेत्र नवरात्रि जिसको कि वासंतिक नवरात्रि कहते हैं, और आश्विन नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दो नवरात्रि सब लोग जानते हैं, लेकिन दो नवरात्रि जो हैं वो होते हैं एक माघ महीने में और एक आषाढ़ महीने में। इस आषाढ़ महीने के नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें माता दुर्गा की विशेष रूप से पूजा की जाती है। यदि आपको विशेष रूप से कोई चीज़ की मन्नत हो या कार्य विशेष का हो तो इस नवरात्रि में माता दुर्गा का पूजा करें। तो इस बार जो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि आषाढ़ महीने का प्रारंभ हो रहा है, वे 6 जुलाई शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। 6 जुलाई शनिवार को कलश स्थापन करना है और उसी दिन से नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा। इस बार जो है यह जो गुप्त नवरात्रा है यह 10 दिनों तक चलेगा, जो कि अति शुभ माना जाता है। 10 दिन तक, इसमें चतुर्थी तिथि 2 दिन पा रहा है, तो उसमें इस नवरात्रि में विशेष फल के लिए ये नवरात्रि किया जाता है। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करें, या तो फिर दूसरा मुहूर्त अभिजित मुहूर्त आता है, उस अभिजित मुहूर्त यानी 11 बजे दिन से 12 बजे के बीच में आप कलश स्थापन कर सकते हैं और नवरात्रि में दुर्गा जी का पूजन कर सकते हैं। दुर्गा जी का पूजन जो है नवरात्रि का दुर्गा पाठ के साथ प्रारंभ होगा। इस बार दुर्गा जी का नवरात्रि के जो प्रारंभ हो रहा है उस आधार पर दुर्गा जी घोड़ा पर सवार होकर के आ रही, क्योंकि शनिवार है, शनि भौम तुरंग में, इसलिए इस श्लोक के आधार पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर के गुप्त नवरात्रि में आ रही है।